हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्ट्स बाय हैप्पी सोल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा इट्सी बिट्सी का एक ह्यूज क्राफ्ट हॉल। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूँगी इट्सी बिट्सी की वेबसाइट के बारे में और उनके स्टोर के बारे में। इट्सी बिट्सी एक क्राफ्ट स्टोर है जहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन आप प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, क्राफ्ट रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड। इनकी वेबसाइट भी है जहाँ पर है ना आपको बहुत सारे ऑफ़र दिखने को मिलेंगे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इनके यहाँ कुछ ना कुछ ऐसे ऑफ़र चलते हैं तो आप इनके ऑफ़र टाइम या डिस्काउंट टाइम में प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं। इट्सी बिट्सी के स्टोर पैन इंडिया में अवेलेबल हैं, आप अपनी सिटी के अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। साथ ही में आप उनकी वेबसाइट से प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। अगर आप मेरा कूपन कोड विजया5 यूज़ करते हैं तो आपको 5% एडिशनल डिस्काउंट आपकी परचेज पे मिलेगा। तो बिना देरी करे हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा हॉल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैंने इट्सी बिट्सी का सामान जो है ऑनलाइन मंगाया था, जो कि इस तरह के एक बॉक्स में आया था। चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। खोलने के बाद ये कुछ इस तरह था, पैकेजिंग बहुत ही अच्छी थी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, मैंने यहाँ पर दो ये वेलम शीट को ऑर्डर किया था, ये 50% डिस्काउंट में मुझे मिली थी। इसके बाद मैंने ये एलिमेंट शीट ऑर्डर की थी, इसके अंदर दो शीट्स हैं। इनको आप कट करके आप कार्ड मेकिंग में, स्क्रैप बुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी मैंने डेकोपाज पेपर भी यहाँ पर ऑर्डर किए थे, आई थिंक बहुत ही सारे किए थे। इन सभी डेकोपाज पेपर के अंदर 4 शीट्स होती हैं, 2 पैटर्न होते हैं एक लाइक डेकोपाज पेपर के कॉम्बो में, और इनका प्राइस 75 रुपीज़ होता है। ये पेपर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसके बाद मैंने फिलामेंट शीट भी इट्सी बिट्सी से ऑर्डर की थी, ये बेस्ट क्वालिटी है। इसमें 2 शीट्स होती हैं और इनका प्राइस 169 रुपीज़ होता है। आप देख सकते हैं इनके प्रिंट्स पहले वाली शीट से कितने अच्छे हैं। ये सभी प्रोडक्ट मैंने अपने क्राफ्ट चैनल की वजह से इतने सारे लिए हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सभी भी अगर कभी खरीदना चाहें तो एक बार में इतने सारे प्रोडक्ट्स को ख़रीदें। साथ ही मैंने इट्सी बिट्सी से बहुत सारी डेकोपाज नैपकिन ऑर्डर की थी। ये डेकोपाज नैपकिन्स 40 रुपीज़ ईच होती है, मोस्टली मैंने 50% डिस्काउंट में ली थी, या फिर 100 रुपीज़ में 4 शीट्स आती हैं, वो वाला कॉम्बो सिलेक्ट किया था। ये मेरा 2 बार का हॉल है जो कि मैंने अपने इस हॉल में इंक्लूड कर लिया है। ये मैंने कुछ स्टेंसिल्स भी ऑर्डर की थी इट्सी बिट्सी में, 4x4, 4x7, 7.3x9.7 वाली साइज़ की स्टेंसिल्स की ह्यूज वैरायटी है। आप अगर कभी भी स्टेंसिल्स लेना चाहें तो वहाँ पर ज़रूर चेक कर सकते हैं, इन पर मोस्टली डिस्काउंट भी रहता है। बड़े वाले का प्राइस 210 है, बाकी के प्राइस उससे काफ़ी कम है। फिर मैंने ये कुछ डाइस ऑर्डर की थी, इनके प्राइस डिफरेंट हैं, इनके प्राइस इनकी क्वान्टिटी और साइज़ पर डिपेंड करते हैं। ये कुछ 300-400 से शुरू होती हैं और अप टू 999 तक मिलती हैं। मोस्टली प्रोडक्ट मेरे है ना डिस्काउंट में मैंने लिए हुए हैं फॉर अपने चैनल के लिए, जिससे मैं डिफरेंट टाइप के क्राफ्ट्स और आर्ट आइटम आपको दिखा सकूं और आप उससे कुछ इंस्पिरेशन ले सकें। ये बाइसिकल वन है, ये टैग बनाने के लिए है। ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा शीट्स ली थी इंटीग्रेट कटिंग के लिए। मैंने कुछ यहाँ पे क्लियर स्टैम्प भी ऑर्डर किए थे, इनको मैं एक्रेलिक ब्लॉक पे स्टिक करके स्टैम्प कर लेती हूँ। मैंने काफ़ी सारा इसका कलेक्शन कलेक्ट किया है, ये है ना क्राफ्टिंग के लिए और आर्ट्स में बहुत यूज़फुल रहता है। डेकोपाज में भी मैं इनको बहुत यूज़ करती हूँ। सभी के प्राइस डिफरेंट है साइज़ के अकॉर्डिंगली। Look at this cute one, Ganesha. साथ ही मैंने ये मिनी स्कोरिंग बोर्ड भी ऑर्डर किया था, ये छोटे प्रोजेक्ट्स में बहुत काम आता है कार्ड मेकिंग एंड स्क्रैप बुकिंग के लिए। इसके अलावा मैंने ये इंक पैड लिए थे, ये रेंजर के हैं डिस्ट्रक्ट ऑक्साइड के, ये मैंने डिफरेंट कलर में ऑर्डर किए हैं। साथ ही मैंने परमानेंट इंक भी ऑर्डर किया है, जिसको आर्काइवल इंक बोलते हैं, ये वाला इन रेड कलर।
ये मैं कार्ड मेकिंग में यूज़ करने वाली हूँ, स्क्रैप बुकिंग के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। खोलने के बाद ये इंक कुछ इस तरह रहती है, इसको हम किसी भी डॉबर की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ी सी लीक हो गई है आई थिंक, तो मैंने कई सारे कलर में इनको ऑर्डर किया है। साथ ही में मैंने काफ़ी सारी ड्राइंग बुक्स को ऑर्डर किया है। ये वाली मैंने एक्रेलिक कलर्स के लिए यूज़ लेने के लिए लिया है, ये वाली वाटर कलर के लिए है। ये मैंने दो साइज में ली है, A4 साइज में और छोटे काम के लिए A5 साइज में। मैंने अपने प्रोजेक्ट को ड्राई करने के लिए हीट टूल लिया है, बेसिकली मैंने इसे ड्राई करने के लिए और एम्बॉसिंग वर्क के लिए लिया है। मैंने कुछ मेटेलिक कलर भी ऑर्डर किए थे, ये शिमरी कलर हैं, इनकी शाइन बहुत ही अच्छी होती है। ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में लिए हैं, ये ब्लू है, ये थोड़ा लाइट ग्रीन कलर है। मैंने एक दो प्रोजेक्ट्स पे इनको यूज़ करके देखा है, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, एक डिफरेंट ही शाइन देते हैं। साथ ही मैंने कुछ ये स्पार्कलिंग पेस्ट ऑर्डर किए थे अपने मिक्स मीडिया वर्क के लिए, ये एज अ टेक्सचर पेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं नाइफ की हेल्प से या ब्रश की हेल्प से। साथ ही मैंने ये गिल्डिंग पेस्ट लिया था गिल्डिंग वर्क के लिए, ये मैंने एम्बॉसिंग टेक्सचर पेस्ट लिया है, इसको भी मैं नाइफ की हेल्प से यूज़ कर सकती हूँ। ये मैंने एम्बॉसिंग पाउडर लिए थे, ये मैंने वाओ का लिया था, पहले वाला मैंने लिटिल बर्डी इट्सी बिट्सी का खुद का ब्रांड है उसका था वो। ये मैंने वार्निश ली थी, ये ग्लॉसी फिनिश में भी है और मैट फिनिश में है, ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ, ये मुझे इट्सी बिट्सी की बहुत ही ज़्यादा पसंद है। साथ ही मैंने ये डेकोपाज के लिए डेको मैजिक ग्लू भी लिया था, ये दोनों ग्लू बहुत ही अच्छा है, इनका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आता है, ये ग्लॉसी एंड मैट फिनिश में अवेलेबल है। साथ ही में ये सिलिकॉन ग्लू है, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है इट्सी बिट्सी का, इससे कोई भी चीज़ स्टिक हो जाती है, मेटल हो, प्लास्टिक हो, इवन स्टोन हो, एनीथिंग यू कैन स्टिक विद इट। मैंने इट्सी बिट्सी का क्रैकल पेस्ट और ये इमेज ट्रांसफर भी ऑर्डर किया था, ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में थे तो मैंने सोचा इनको ट्राई करते हैं। इसके अलावा मैंने इट्सी बिट्सी के आर्काइवल मल्टी सरफेस पेंट भी लिए हैं, ये मैंने काफ़ी कलर लिए हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं सेपरेटली उनका वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। मैंने मेटल बीट्स भी डिफरेंट कलर में ऑर्डर किए थे, ये हम मिक्स मीडिया में यूज़ कर सकते हैं, शिकर कार्ड बनाने में यूज़ कर सकते हैं, कार्ड मेकिंग, और इनको हम कई सारे टाइप के प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। साथ ही मैंने ये रेड कलर के सीक्वेंस भी ऑर्डर किए थे, ये हार्ट शेप में हैं, ये मैंने चॉक होल्डर लिया था, इसमें इस तरह चॉक फंसाकर आप इससे इस तरह राइट करेंगे तो आपके हाथ गंदे नहीं होते हैं। मैंने एक क्राफ्ट मैट भी ऑर्डर की थी 15x18 साइज़ की, इस पर रखकर आप कहना इंक वगैरह या कोई भी कलर वलर करते हैं तो अगर ये गंदी होती है तो आप इसको वेट वाइप से या गीले कपड़े से पोंछते हैं तो बहुत ईजिली ये साफ़ हो जाती है और क्राफ्ट टाइप के वर्क करने के लिए बहुत यूज़फुल रहती है। साथ ही में मैंने ये वुडन प्लांक्स बहुत सारे ऑर्डर किए थे डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के इट्सी बिट्सी में, ये बहुत ही रीजनेबल मिलते हैं वहाँ पर, ये स्क्वायर साइज़ में हैं। मैंने काफ़ी वॉल डेकोर ऑलरेडी अपलोडेड किए हैं अपने चैनल पर, वो मैंने इन्हीं प्लांक्स पर बनाए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर चेक करें। यहाँ पर मैंने ये मिक्स मीडिया पेस्ट लिया है, इसे मॉडलिंग पेस्ट बोलते हैं, आप इसे एज अ जैसो भी यूज़ कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ग्रे शेड में है और दूसरा वाला थोड़ा सा वाइट क्रीम शेड में है। ये मैंने ग्लू लिया था, बेसिकली मैंने ये है ना क्राफ्टिंग के लिए लिया है, इसका MRP 250 है और इस वाले का भी 250 है जो मैंने मॉडलिंग पेस्ट लिया था पहले। ये मैंने जेल लिया है सामान को स्टिक करने के लिए, ये ट्रांसपेरेंट होता है सूखने के बाद। साथ ही में मैंने ये डिफरेंट पेस्ट लिए हैं, ये ग्रेफाइट पेस्ट बोलते हैं, ये डिफरेंट कलर में है। मैंने कुछ और प्रोडक्ट भी ऑर्डर किए थे जो बहुत यूज़फुल है मिक्स मीडिया के लिए, ये मेटेलिक वैक्स है, ये पतीना ग्लेज कलर में है, ये मैंने फैब्रिक के लिए डेकोपाज करने के लिए एक डेकोपाज ग्लू लिया था, ये बेसिकली फैब्रिक पे यूज़ होता है। ये मैंने जैसो लिए थे 3 शेड में, वाइट, ट्रांसपेरेंट एंड ब्लैक,
ब्लैक जनरली कहीं नहीं मिलता है, तो मुझे अच्छा लगा यहाँ पे मिला और ये ट्रांसपेरेंट वाला है। साथ ही मैंने ये टेक्सचर पीस लिया है, ये वाइट कलर में है, ये बहुत ही यूज़फुल है मिक्स मीडिया वर्क के लिए, स्टेंसिलिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो ये था मेरा आज का हॉल, आई होप आपको अच्छा लगा हो। साथ ही मैं कुछ अपने प्रोडक्ट जो मैंने इट्सी बिट्सी के प्रोडक्ट से बनाए थे उनको भी शेयर करना चाहती हूँ, आई होप आपको वो भी पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और मेरे बाकी वीडियोज़ को जो कि ऑलरेडी अपलोडेड हैं उनको भी ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।